गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ MS Ali एंड यू आर वॉचिंग मिरेकलिनी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर कुछ डिफरेंट वीडियो भी लाया करता हूँ, कुछ ऐसी वीडियोज लाता हूँ जो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो आज भी मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियो ही लाया हूँ, लेकिन ये उतनी डिफरेंट नहीं है जितना कि आप सोच सकते हो, क्योंकि इस आधार पर मैंने दो वीडियो आपको ऑलरेडी दे रखी है, यानी इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब पर हमने दो वीडियो दे रखी है, जिसमें मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था वुड हैव का इनफॉर्मल और वुड नॉट हैव का। फिर दूसरी वीडियो मैंने बताया था आपको शुड हैव का इनफॉर्मल और फिर शुड नॉट हैव का। और आज भी मैं लेकर के आया हूँ ऐसा ही कुछ, यानी एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, और वो अपने से बड़ों के साथ, आदरणीय लोगों के साथ, रिस्पेक्टेड लोगों के साथ हम यूज़ नहीं किया करते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, अपने से छोटों के साथ कर सकते हो, या फिर मित्रों से कर सकते हो, या जो अपने बराबरी के हों, जो अपने हम उम्र वाले हों, उनके साथ आप इस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और इस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप उसकी नज़र में थोड़ा सा हीरो बन सकते हो। इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सबको पता नहीं होते हैं। जो वर्ड्स मैं आपको इनफॉर्मल तरीके से बताने वाला हूँ, ऐसे शब्दों की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप कहीं बोल करके ऐसे शब्द आप अपना एक अलग इम्प्रेशन जमा सके, अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना एंड समझने की कोशिश करना कि मैंने जो कुछ भी बताया है, जिस प्रकार से भी बताया है ना, उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुड हैव को हमने कूडा लिखा है, यानी जहाँ कहीं भी आप कूड हैव लिखते हो ना, तो उसके बदले में आप कूडा का इस्तेमाल करोगे। और एक बात याद रहे कि कूड हैव के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो V3 होती है, इसीलिए कूडा के बाद भी जो आएगी वर्ब वो V3 होगी, क्योंकि कूड हैव अपने बाद सिर्फ V3 ही लेती है, ओके। और उसके बाद जब इसको इनफॉर्मल बनाएंगे ना कूडा, तो इसके बाद भी हमारी V3 ही आएगी। तो कूडा तो सुनने में अजीब सा लगता है ना, अजीब सा लगता है, तो क्या हुआ, हमें तो एक अपना अलग इम्प्रेशन जमाना है, हमें एक नई पहचान दिखानी है अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच, या अपने से जो हम उम्र वाले हैं उनके बीच। तो अब सेंटेंस को देखते हैं, और मैं आपको बता दूं कि कूड हैव जो है ना, उसकी हिंदी क्रिया होती है सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी जब कभी भी आप सकता था, सकती थी, सकते थे देखोगे ना, तो आपको कूड हैव प्लस V3 लगा देनी है। और एक बात और, आप कूड प्लस V1 भी लगा सकते हो, इसको भी मैं बता सकता हूँ बाद में, या बाद में मैं बताऊँगा ही आपको। तो मैं कुछ भी कर सकता था, ओके, देखो यहाँ पर सकता था आया ना, तो जब भी सकता था, सकती थी, सकते थे आए, आप कूड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे, तो पहले कुछ भी जो वर्ड है ना, इसको हटा लेते हैं, वह कर सकता था को बनाते हैं वह के लिए ही, और सकता था के लिए हमने कूड हैव लगा दिया, ठीक है। कर यानी करने से कर, और करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, डू को आप थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, डू को आपने किया डन। अब बचता क्या है, कुछ भी, तो कुछ भी के लिए आप अंत में एनीथिंग कर दोगे। लेकिन ये तो हुआ फॉर्मल तरीका, जो अपने से बड़ों के साथ आप इस्तेमाल करोगे या आदरणीय लोगों के साथ आप करोगे, लेकिन जब अपने से छोटों के साथ आपको करना हो तो क्या करोगे, आप कूड हैव के बदले ना सिर्फ कूडा कर दोगे, यानी कूड हैव के बदले कूडा, जैसे कि ही कूड हैव डन एनीथिंग, तो इसमें कर दोगे ही कूडा डन एनीथिंग। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बता चुका हूँ कूड हैव को इनफॉर्मल तरीके से कूडा कहते हैं, और इन दोनों के बाद आने वाली वर्ब V3 होती है। आप ऐसे सेंटेंसेज को सिर्फ कूड से भी बना सकते थे, जैसे कि ही कूड डू एनीथिंग, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, अगर ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, जैसे कि कूड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव, आपने पढ़ा होगा, तो कूड नॉट हैव का इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, कूडना होना चाहिए, यानी कूड नॉट हैव को हम कूडना कहते हैं। वैसे आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनफॉर्मल वर्ड्स ना बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो और एक नई पहचान बना सकते हो, ये तो मैं 3 बार आपको बता चुका। चलो अब सेंटेंस देखते हैं, मैं उसे नहीं पीट सकता था, ओके, वाक्य नेगेटिव है, तो आई कूड नॉट हैव, है ना, मैं के लिए हमने आई लिखा, है ना, नहीं सकता था, नहीं सकता था के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, कूड नॉट हैव का इस्तेमाल किया, नहीं सकता था, है ना। और पीट, पीटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम पीटने को इंग्लिश में बीट कहते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है, यानी आप ईएन लगा दोगे ना तो ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। आई कूड नॉट हैव बीटन, किसकी बात हो रही है, उसे, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि वो मेल है या फीमेल,
लड़की है या लड़का, स्त्री है या पुरुष, तो आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मेल होगा तो हिम और फीमेल होगी तो हर कर देंगे। अब इसको इनफॉर्मल तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से इसको हम बोलते या फिर बनाते या ट्रांसलेट करते, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुड नॉट हैव के बदले कुडना का इस्तेमाल कर देना है। जैसे कि आई तो आई, कुड नॉट हैव तो कुडना, बीटन तो बीटन, हिम या हर तो फिर हिम या हर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुड हैव को हम कुडा और कुड नॉट हैव को हम कुडना कहते हैं, और इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमारी सिर्फ V3 होती है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से खूब प्रैक्टिस करो, है ना, घर पर अपने नोटबुक्स के साथ आप प्रत्येक सेंटेंस को लिखो, और भी अपने मन से कुछ सेंटेंसेस रखो, उसको खूब प्रैक्टिस करो, एंड अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, या अपने से नज़दीक रिश्ते वाले जो लोग हैं, जो हम उम्र वाले जो लोग हैं, उनके साथ आप इस्तेमाल करो और अपनी एक नई पहचान बनाओ, और ये प्रूव करके दिखाओ कि मेरी अंग्रेज़ी आप लोगों से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी एजुकेशनल वीडियो के साथ, कुछ और भी इफेक्टिव और कुछ और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। हैव अ गुड डे टू ऑल।